जी मैं प्रारंभ करूं स्वामी जी। जी सदसह पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधाम अयासिसम अयासिम स्वाहा। मंत्रार्थ सदसह सभा के पतिम अधिपति रक्षक पालक अद्भुतम अद्भुत आश्चर्यजनक इंद्रस्य इंद्र परमेश्वरवान के प्रियम प्रिय काम्यम कमनीय सनिम दानी मेधाम मेधा बुद्धि को स्वाहा व्यापक अयासिम प्राप्त करूं। भावार्थ इंद्र के काम्य प्रिय अद्भुत सभापति दानी मेधा को व्यापकता से प्राप्त हूं यह भावना है। स्वाहा शब्द यजन आदि सामूहिक कार्यक्रमों में मंत्र के अंत में सामान्यतः बोला जाता रहा है, जैसे मंत्र के आरंभ में अनिवार्य रूप से ओम का उच्चारण किया जाता है। वहाँ भी भावना यही होती है कि जो मंत्र हम उच्चारित कर रहे हैं, जो पवित्र कार्य हम कर रहे हैं, वह व्यापक हो, उसका लाभ सभी को प्राप्त हो। धात्वादि निरुक्त सदसह सद बैठना पतिम पत ऐश्वर्य होना गति करना पराक्रम करना अद्भुतम अव्यय प्रियम प्री प्रीति करना इंद्रस्य इंद्र परमेश्वर्य होना काम्यम कम इच्छा करना सनिम सन दान करना सेवा करना सत्कार करना मेधाम मेधा शीघ्र समझना मेध समझना जानना संगति करना हिंसा करना अयासिम अय जाना चलना या जाना स्वाहा सु उपसर्ग स्व अपना अह व्याप्त होना। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 32 त्रयोदशा मंत्र, आज 13वां मंत्र हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम सदसा पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम सनिम मेधाम अयासिसम स्वाहा। यह मंत्र अपने स्वरूप में गायत्री है। आठ आठ वर्णों के तीन चरण स्पष्ट हैं। सदसह पतिम, सदसह सद का अर्थ है बैठना। जहां सब लोग बैठेंगे वो सदा, उस सदा का षष्ठी विभक्ति में एक वचन है सदसह, उस सदा का। ये सदा शब्द वेद में उसी अर्थ में आया है जैसे हम लोग इस समय सदन कहते हैं। संसद है, संसद भी इसी तरह बना है। सम उपसर्ग है और सद का अर्थ बैठना, जो सदसा है वही संसद है। यदि संविधान बनाने वाले उनका बाद में भाषा अनुवाद करने वाले, ये संविधान बोलता तो आंग्ल भाषा में ही लिखा गया था, वेद से वेद की शब्दावली से परिचित होते तो कुछ और वेद के निकट वैदिक शब्द स्वीकार कर सकते थे, फिर भी अच्छी बात है।
सदन शब्द भी वैदिक ही कहें, वही है संसद भी सदन भी लोकसभा राज्यसभा शब्द हम लोगों ने लगभग वही चुने हैं, अच्छी बात है। कह रहे हैं सदसह पतिम, उस सदन के अधिपति को, सदसह पतिम अद्भुतम, अद्भुत है वो, इस सदन का अधिपति जो है वो अद्भुत है, उसको प्रियम, प्रिय है उसको, उस प्रिय को इंद्रस्य काम्यम, इंद्रस्य इंद्र के काम्यम, काम्य कामना योग, इस सभा का, इस सदन का अधिपति कैसा है, अद्भुत है, प्रिय है और इंद्र का काम्य है। इंद्र इति परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वरवान, या कह लें परमेश्वर, एक ही बात है। तो हमारे सभा का, सदन का, संसद का अधिपति कैसा हो, उसका प्रमुख कैसा हो, वो कहा गया है वो अद्भुत हो, विद्वता में, बल पराक्रम में, और सबका प्रिय हो। प्रिय होना भी महत्वपूर्ण है, यदि वह सबके लिए अप्रिय होगा तो सभा का संचालन कैसे करेगा, उसे प्रिय होना चाहिए, और केवल लोगों का प्रिय न हो, उसमें कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो इंद्रस्य काम्यम, परमेश्वर को चाहने वाला हो, परमेश्वर जिसको चाहता ऐसा हो, इंद्रस्य काम्यम, इंद्र का काम्य हो, इंद्र का इच्छित हो, जिसकी इच्छा वह इंद्र परमेश्वर करे, ऐसे कुछ प्रेरक कथाएं मिलती हैं। किसी संत को कोई ऐसा दिव्य पुरुष मिला, उसने कहा भाई ईश्वर के भक्ति करने वाले लोगों की एक सूची बनी है, देखा तो उनका नाम नहीं था, वो ऋषि वो संत ईश्वर की भक्ति करने वालों में नाम नहीं था, उस दुखी हुए कि भाई प्रयास तो हम भी अपनी सामर्थ्य पर बहुत करते हैं, कोई बात नहीं हमें इस योग्य समझा गया। फिर उन्हें दूसरी सूची दिखाई गई, बोले ये उनकी सूची है जो ईश्वर के प्रिय है, ईश्वर के काम में है, जिनकी कामना, जिनकी भक्ति ईश्वर स्वयं करते हैं, वे गुणवान लोग जिन्हें ईश्वर भी चाहता है, जिन्हें परमेश्वर चाहता है, इंद्रस्य काम्यम, वे इंद्र के काम में हैं, वे इंद्र के इच्छित हैं। ईश्वर की भक्ति करना तो आवश्यक है, प्रारंभिक चरण है, उस भक्ति की पराकाष्ठा है ईश्वर भी हमारी ओर ध्यान दे, हम परमेश्वर के भी इच्छित हो, परमेश्वर के भी प्रिय हो जाएं। तो सनिम मेधाम अयासिम स्वाहा, सनिम, सनिम का अर्थ है दानी, सन धातु का अर्थ दान करना, सेवा करना, सत्कार करना आदि है, तो सनिम का अर्थ दानी, बहुधा वेद में ये अर्थ किया जाता है, सनिम का अर्थ दानी ही सामान्यता विद्वान ग्रहण करते हैं विभिन्न मंत्रों में, मेधाम, मेधा को, सनिम दानी को, मेधाम मेधा को, या मेधावी को कह सकते हैं अधिक से अधिक। स्वाहा, व्यापक रूप से अयासीम प्राप्त करो, तो अयासीम, अय धातु का अर्थ जाना चलना है, या धातु का अर्थ भी जाना चलना है,
जाने चलने में प्राप्त करने का भाव निहित होता है। ये हम लोगों ने जब से प्रारंभ किया है प्रारंभिक मंत्रों से ही ये बात निरंतर आ रही है। इसमें जाना चलना में प्राप्त करना जानना आदि अर्थ समाहित होते हैं। स्वाहा शब्द का अर्थ भी समझ लें। स्वाहा शब्द में सु उपसर्ग मान लीजिए, स्व का अर्थ अपना है ये भी मान सकते हैं, और सु धातु का अर्थ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है ये भी महत्वपूर्ण है, अय धातु का अर्थ व्याप्त होना है ये भी महत्वपूर्ण है। स्वाहा का मुख्य अर्थ व्याप्त होना, सृजनशील होना, प्रेरक होना ग्रहण किया जाता। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मंत्रों में विभिन्न अवसरों पर इन्हीं बातों को कुछ अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया होगा, कोई अंतर नहीं है, मुख्य भाव स्वाहा का यही है। इस मंत्र में जो हमने प्रारंभ में कहना चाहा था, गायत्री की दृष्टि से बहुत से गंभीर अध्येता विद्वानों ने यह भी माना है कि चूंकि यजुर्वेद का उपयोग बाद में हवन पूजन जैसे कर्मकांड में होने लगा है, तो बहुधा स्वाहा शब्द मंत्र के अंत में एक प्रकार से अभ्यास में आ गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत से मंत्रों में बीच में अनेक बार स्वाहा आता है, एक बार आता है, दो बार आता है, अनेक बार आता है, तो स्वाहा शब्द है, उसका अपना अर्थ है और उसको उस रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। ये ठीक है कि बौधा अंत में जो स्वाहा शब्द होता है यदि उसे ना भी पढ़ें तो भी मंत्र का अर्थ पूर्ण हो जाएगा, और उसे ले लें तो उसका अर्थ व्यापक है तो पूरे मंत्र के अर्थ को व्यापकता प्रदान करेगा, तो भी अच्छा ही है। तो उसको इस रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात चतुर्दशा मंत्र है, जो 14वां मंत्र है, वह भी आप लोगों का बहुत परिचित प्रतीत होता है, मंत्र सरल था, सरलता से इसकी बात पूरी हो गई और वह मंत्र भी सरल सा ही है। तो पढ़ लेते हैं, प्रयास करते हैं, यह मंत्र भी हो जाएगा मुझे लगता है। ओम जाम मेधाम देवगणा पितरा चा उपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधा विनम कुरुस। अब ये मंत्र भी हवन पूजन में पढ़ते हैं तो स्वाहा अंत में पढ़ दिया जाता है। इस अभ्यास से हो सकता है किसी पुस्तक में लिख भी दिया जाए या नहीं भी लिखा है, कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। या मेधाम देवगणा, उसकी मेधा की बात इस मंत्र में भी आई थी तो इसे मेधा सूक्त के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। या जिस मेधाम मेधा को देवगणा, देवगण तेजस्वी दिव्य विद्वानगण, पितरा चा चा और पितर पितर जन, पितर जो हमारे पालन करता है, उपासते उपासना करते, कह रहे हैं कि जिस मेधा को देवगण और पितर उपासना करते हैं, उपासना करना उप समीप आसन बैठना, आस्था पुकार बैठना, जिसके समीप बैठते हैं अर्थात जिस मेधा को देवों और पितरों ने ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, उसका सामीप पाया है, जो मेधा हमारे देवों और पितरों के पास है, तया माम अद्य मेधया, तया उसके द्वारा माम मुझको अद्य आज मेधया मेधा के द्वारा, कह रहे हैं मुझको आज उस मेधा के द्वारा, अग्नि हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, अग्नि अग्नि सूक्त हमने बहुत से पढ़े हैं, अग्नि शब्द बहुत परिचित हो गया है,
अगधातु है, गति करना मुख्य अर्थ है, अग्रणी ग्रहण करना भी इसका एक अर्थ है, तो प्रगतिशील अग्रणी ग्रहण करता इसका अर्थ हम लोग करते हैं। तो अग्नि, हे अग्नि मेधा बिनम कुरु मेधा भी करो, अग्नि संबोधन है तो अर्थ करते समय सबसे पहले लेंगे अग्नि, हे अग्नि हे अग्रणी प्रगतिशील परमात्मन, जिस मेधा को हमारे देवगण और पितर उपासना करते हैं उसी मेधा के द्वारा, तया मेधाया उस मेधा के द्वारा अद्य आज मुझको भी मेधा बिनम करु मेधावी बना दो। क्या सुंदर प्रार्थना है, कह रहे हैं हमारे पूर्वज देवगण पितर मेधावी थे, जो मेधा उनको प्राप्त हुई, जिस मेधा को प्राप्त करके उन्होंने अपना जीवन सार्थक किया, तो हे अग्नि स्वरूप परमात्मन उस मेधा से हमें भी मेधावी बना दो, वही मेधा हमें भी प्रदान करो, यह उत्तम प्रार्थना इस मंत्र में की गई। आज ये दो सरल से मंत्र हम लोगों ने पढ़े समझे, इस अध्याय में भी दो मंत्र और हैं, यहाँ पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। अब आगे आप लोग जो भी प्रश्न हो विचार हो चर्चा हो कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ भाई बोलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएं, कोई प्रश्न विचार जो भी हो रखते हैं विराम नहीं होना चाहिए। हाँ धीरज जी ने नमस्ते लिख दिया है, आप बोलने का प्रयास करें जी, बोलिए। प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? भाई पुलकित देखो क्या बात है, कुछ बोलो दोस्त आगे बढ़ाओ। पुत्र जी आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए। थोड़ा विषय से हटके है स्वामी जी, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं। बोलो भाई, प्रयास करेंगे हम लोग विषय पर रहें। लेकिन स्वामी जी अभी जो घटनाएं घट रही हैं पूरे देश भर में, उसके कारण मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हो रहा है कई जगह, और कई जगह जातिवाद हो रहा है, और तोड़फोड़ बहुत हो रही है, तो अच्छा नहीं लगता स्वामी जी। हम इतना ही कह सकते हैं कि जो हमसे संभव हो हमें अपना कर्म करना चाहिए, पूरा संसार हमारे अनुसार तो नहीं चलेगा, हम अपने में इतना सामर्थ्य बनाएं, हमारी शासन सत्ता हो तो हम लोगों को अपने तरीके से अपनी दिशा में चला सकते हैं, वह तो संभव नहीं है। इतना बड़ा समाज कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम आप अनावश्यक चिंता करके क्या करेंगे, इसी को कहते हैं चिंता नहीं चिंतन करें। हमसे जितना संभव है प्रयास करें, और जो हो रहा है होने दें, जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दें, जो हमारे सामर्थ्य में ना हो उसको लेकर चिंता तो नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो सभी कहते हैं। हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे, चिंता न करें, जो संभव है प्रयास करें और स्वीकार कर लें, जो हो रहा है होने दें, ईश्वर की यही इच्छा है, क्या किया जाए। जी स्वामी जी धन्यवाद। स्वामी जी थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूँ,
बोलिए। जो भी लोग जो कर रहे हैं वो हमसे पूछ कर भी नहीं कर रहे हैं, और हम चिंता होकर कर क्या लेंगे, क्योंकि हमारे पास ना साधन है ना क्षमता है। तो इसलिए इसके ऊपर अनावश्यक रूप से चिंतित ना हो, उसको देखने के लिए शासन की व्यवस्थाएं अपने अपने तरीके से काम करती हैं, ये अलग बात है कि हम उससे संतुष्ट असंतुष्ट हो सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, यही उचित मार्ग है, और हम कर भी क्या सकते हैं। धीरे धीरे प्रयास करें कि शासन सत्ता हमारे हाथ में हो, ये अच्छी बात है। सकारात्मक चिंतन करें, प्रयास करें, एक एक को जोड़ें और समाज को सक्रिय करें, और समाज चाहे चुनाव में उतरे तो बहुत कुछ हो सकता है, परंतु और समाज उतरे, ये ठीक है। कुछ संस्थाएं हैं अलग से, राजार सभा है, हरियाणा में भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, स्वागत है, अच्छा है, कुछ ना होने से कुछ अच्छा है, कुछ तो कर रहे हैं। परंतु यदि आर समाज सार्वदेशिक से ये सीधे उतरे कि हाँ ये आर समाज का है और सारे आर समाजियों को उनके साथ आना चाहिए, तो कुछ हो सकता है। लेकिन वह भी हमारे आपके बस में तो है नहीं, वही कह सकते उसको लेकर हम चिंता नहीं कर सकते हैं। बात आई तो एक विचार व्यक्त कर दिया, वो करेंगे नहीं, उनकी अपनी जो भी बात हो, तो क्या कर सकते हैं हम। आप अपने स्तर पर जितना संभव हो उतना अच्छा करने का प्रयास करें, शेष वो चलने दे, उस पर कोई चिंता नहीं कर सकते हैं, और क्या कहें, चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोलते रहते हैं बीच बीच में कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातनियों आगे आ जाओ, मतलब भड़काते रहते हैं ये सबको ताकि लड़ाई हो। अब उसका परिणाम आ रहा है। मैंने कहा आप तो प्रमुख साथी हैं, सायंकालीन कक्षा को इन विषयों की ओर न मोड़े तो अच्छा है। कौन क्या कर रहा है वो इस चर्चा का विषय नहीं है, रविवार को तो लिया भी जा सकता है। दैनिक कक्षा को इन दिशाओं में न ले जाए, मंत्र तक सीमित रखें तो गंभीर स्थिति में तभी ठीक रहेगा, मंत्र का प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर यही सब हम लोग करने लगेंगे तो मंत्र का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा, फिर रविवार की प्रातःकालीन कक्षा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, फिर दैनिक हम यही सब करने लगेंगे, है ना। ये इसीलिए रखा गया था कि दैनिक कक्षा की गंभीरता बनी रहे और अन्य बातें हम लोग रविवार की प्रातःकालीन विशेष सत्र में रखते हैं, तो उचित है। क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, आपस में प्रमुख लोग आए तो। और किसी को कुछ कहना है वेद मंत्र के बारे में, कुछ चर्चा हो तो कर सकते हैं। स्वामी जी, ये जो अपना वेद मंत्र है, इसमें इस बात का आशय निकलता है कि विद्वान गण, रक्षक गण, पितर जो हमारे हैं, जिनकी हम उपासना अर्चना पूजा करें, और ये सब हमें उत्तम बुद्धियां प्रदान करते हुए उत्तम बुद्धियां प्रदान करें, जिससे हम उन सभी का स्वागत सत्कार करते रहें, ऐसा कुछ आशय निकलता है क्या? ऐसा कुछ तो हमें नहीं आपको ये कैसे किस मंत्र को कह रहे हैं है ना, या मेधा देवगणा पितरश्चोपयते तया मां मध्य मेधा इतने मेधा विनम कुरु स्वाहा। तो उसमें ही कहा ना, या मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते, तो देवगण और पितर उस मेधा की उपासना करते हैं, इसमें तो ये कहा जा रहा है। अच्छा, एक उस मेधा से हमको भी मेधावी बना दे, स्पष्ट रूप से अग्नि संबोधन करके अग्नि रही है। अच्छा, धन्यवाद सर। बताएं, और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, कोई प्रश्न ना हो तो समापन ही करें, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, समय है।
स्वामी जी, देवगणा शब्द का अर्थ 1 मिनट पहले समझा दीजिए प्लीज। देवगण का अर्थ हुआ देवों का समूह, जो कह लें देव का बहुवचन। अब वो काव्य में देवाहा कह सकते थे, देवासा कह सकते थे, वहां वर्णों की गणना होती है तो देवगणा भी कह दिया गया। देवा में दो ही वर्ण होते, देवासा हो सकता था, तीन होते, अब 4 वर्णों की आवश्यकता थी छंद की दृष्टि से तो देवगणा कह दिया। देवों का समूह, देवगुणा का क्या अर्थ हुआ? देवों का समूह अर्थात बहुत से देव, और देव तो हम लोग जानते ही हैं, विद्वान तेजस्वी आदि जो भी हम लोग कहते हैं, है ना। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी, जिसका जो भी प्रश्न हो रख सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो समापन किया जाए। जी तो समापन करते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते सभी साथ। आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। कल इस वेद कक्षा में सायंकाल 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म।